दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदुस्तानी टेलीकॉम सेक्टर अभी फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ गुजर रहा है दोस्तों, खास करके वोडाफोन एयरटेल आइडिया की हालत अभी बिल्कुल ही पतली है। और आज दोस्तों ट्राई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल गई है पे सब्सक्राइबर बेसिस पे सितंबर और अक्टूबर की दोस्तों रिपोर्ट निकल गई है, उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया एयरटेल को एक और बड़ा झटका लगा, ऑलमोस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर इन्हें छोड़ के जा चुके हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ जियो ने दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे लाखों सब्सक्राइबर यहाँ पे और ले लिए दोस्तों। तो क्या है ये पूरी रिपोर्ट, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, क्या कहती है रिपोर्ट, किस हिसाब से जियो दोस्तों अभी भी यहां पे नंबर वन पे बना हुआ और वोडाफोन एयरटेल आइडिया की हालत बिल्कुल खराब होती जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे सभी जानते हैं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया समय समय पे हर महीने दोस्तों कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे आती है, खास करके दोस्तों नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, कौन सी कंपनी ज्यादा गेन कर रही, किसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं किसके कम हुए। तो हमें दोस्तों सितंबर में निकल के आई रिपोर्ट और अक्टूबर महीने तक को भी दोस्तों उसमें कवर किया गया, जहां पे जियो ने यहाँ पे अपने बेंचमार्क सेट कर दिए दोस्तों। खास करके सितंबर की बात कर ली जाए तो जियो ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 69 लाख ऑलमोस्ट 70 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों यहाँ पे अचीव करे। अगर देखा जाए दोस्तों तो जियो भी यहाँ पे 350 मिलियन यूजर को क्रॉस कर चुका है, 350 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर। अब दोस्तों जियो का जो टारगेट है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर 400 मिलियन यूजर्स को अचीव करना है। जियो दोस्तों उस राह पे चल रहा है फास्ट तरीके से, लेकिन बात कर लीजिए सितंबर में जो आंकड़ा आया दोस्तों वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जियो का जो एवरेज आंकड़ा आता है पर मंथ का वो 8 मिलियन से ज्यादा होता है, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 7 मिलियन समथिंग यहां पे इनका आंकड़ा रहा है। तो अब यहां पे बात करूं अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर के अंदर यहां पे इकलौता अगर देखा जाए तो यहां पे जियो ने ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर, यस 10 मिलियन सब्सक्राइबर यहां ने जियो ने यहां पे अचीव किए खास करके अक्टूबर में। और अक्टूबर में बात कर लूं कि क्यों ऐसा हुआ था, अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर जहां पे जियो ने जियो फोन जो है उसके अंदर बड़ी ऑफर दी थी। जियो फोन जो आपको छोटू बजट फोन 4G फोन आपको सिर्फ 699 रुपीस में मिलता था, इसलिए दोस्तों जियो को करोड़ों लोगों ने यहां पे अच्छा लगा लोगों को, और यहां पे जियो ने अच्छे खासे यहां पे सब्सक्राइबर गेन किए, खास करके अक्टूबर के अंदर ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर जियो फोन के हिसाब से और नए ऐड किए गए, मतलब जियो ने दोस्तों अपना यहां पे डंका बजा दिया सब्सक्राइबर बेस में। अब बात करते हैं अक्टूबर मिड की बात करता हूं, अक्टूबर के बीच में जैसे ही दोस्तों यहां पे जियो IUC चार्जेस लेके आया था, इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्जेस जैसे ही उसने लगाए तो लोगों को मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यहां पे जियो को इस चीज से सहमत नहीं थे और लोगों ने यहां से पोर्ट करा जियो से दोस्तों, बहुत सारे यूजर यहां पे पोर्ट होके भी गए मिड अक्टूबर की बात कर रहा हूं, जहां पे वो एयरटेल में चले गए, कुछ वोडाफोन आइडिया में चले गए, कुछ BSNL चले गए। उस हिसाब से दोस्तों रिलायंस का जो शेयर मार्केट शेयर है, मार्केट टोटल मार्केट शेयर की बात कर ली जाए रिलायंस जियो का, वो 30.26% रह गया, स्लाइटली थोड़ा सा पीछे वोडाफोन आइडिया से, वोडाफोन आइडिया 31.73% के मार्केट शेयर के साथ अभी भी जियो को थोड़ा बीट करते हैं यहां पे दिख रहे हैं। अब देखते हैं यहां पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन की क्या हालत है सब्सक्राइबर बेस में, इन लोगों ने सितंबर में क्या कर दिखा के दिखाया। हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल की दोस्तों, तो सितंबर 2019 की जो रिपोर्ट आई वहां पे भारतीय एयरटेल ने 2.4 मिलियन यूजर खो दिए, भारतीय एयरटेल को 2.4 मिलियन यूजर ऑलमोस्ट 24 लाख यूजर इन्हें छोड़ के यहां से जा चुके हैं। और वो गए कहां होंगे, डेफिनेटली जियो के पास ही गए होंगे या कुछ यहां पे BSNL के पास भी गए होंगे। 2.4 मिलियन यूजर छोड़ के गए यहां पे भारतीय एयरटेल को सितंबर की रिपोर्ट के हिसाब से। बात करते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया को भी 2.5 मिलियन यूजर यहाँ पे छोड़ के गए सितंबर में। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनी की बात कर लीजिए, वोडाफोन आइडिया या भारतीय एयरटेल की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर इन्हें छोड़ के गए हैं दोस्तों, 5 मिलियन सब्सक्राइबर इन्हें छोड़ के। अगर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो जियो दोस्तों यहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ाता जा रहा है, खास करके अक्टूबर महीने के अंदर ऑलमोस्ट 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर वहां पे उसने अचीव किए। तो जियो दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोनों ही कंपनी के लिए भी खास कुछ अच्छी न्यूज तो यहां पे निकल के नहीं आई। लेकिन दोस्तों अब बात की जा रही है कि अब यहां पे वोडाफोन आइडिया ने शुरुआत कर दी, खास करके एयरटेल ने भी दोस्तों क्लियर कर दिया कि अब यहां पे प्राइस जो है टैरिफ यहां पे बढ़ाने जाने वाले हैं दिसंबर महीने से दोस्तों, यहां पे टैरिफ बढ़ने वाला है। उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों देखने वाली चीज होगी कि कस्टमर इनको किस फेस में लेने वाला है, क्योंकि यहां पे एक सोर्सेस ये भी बताए जा रहे हैं, एक न्यूज ये भी आ रही है कि रिलायंस जियो भी अपनी टैरिफ्स में यहां पे बढ़ोतरी करने वाला है। तो दोस्तों अगर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर के लिए दोस्तों यहां पे ऑपरेटर चूज करना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा ऑपरेटर हम चूज
चूज करें, क्योंकि सभी के सभी ऑपरेटर अगर यहाँ पे आपकी टैरिफ बढ़ाएंगे, आपके प्लान्स डेटा अगर महंगे करते हैं तो क्या करा जाएगा। तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, अगर टैरिफ्स बढ़ती है एयरटेल आइडिया वोडाफोन या जियो के अंदर तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या BSL में जाना चाहेंगे या आप वहीं वैसे रहना चाहेंगे अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ बेंच। ये वीडियो अगर अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।